नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव चौधरी और बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त बहुत ही महंगे महंगे एपिसोड में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, आप लाइक और शेयर कर दो बिकॉज काफी एक्सपेंसिव सामान है इसके अंदर, मतलब मेरी नेटवर्थ में ना बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। सो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ गौरव चौधरी, तो आपको तरह तरह के बहुत सारे जवाब मिलेंगे, काफी सही काफी गलत। अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग वीडियोस में लोगों ने अलग अलग चीजें लिखी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो क्या सही है क्या नहीं वो छोड़ दो, लेकिन आज कम से कम उसमें ना इंक्रीमेंट हो गया है। कैसे आपको बता दो पूरी बात क्या है, मतलब मेरे पास में एक फेडेक्स से पैकेट आया। अब मैं वैसे तो खैर पैकेट आता रहता, लेकिन ऐसा कोई पैकेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये आता है सीधा बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया अमेरिका से, और अमेरिका से पैकेट आया। इसके अंदर भैया मतलब ऐसा कुछ निकला कि मैं खुद ही शॉक हो गया कि ऐसा क्या जो हमको कोई भेज सकता है और इसमें ऐसा क्या चीजें निकल सकती है। तो क्यों ना एक बार इसको दोबारा अनबॉक्स किया जाए आपके सामने। तो इसके अंदर हमको मिला ये। अब ये जो थे अलग अलग तीन चार आइटम्स, जहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी एस्कोबार कैश। ये आपने कभी वो नहीं किया कॉलेज में लास्ट मोमेंट पे असाइनमेंट सबमिट की, जो फोटोकॉपी करवाई बहुत सारी और उसके बाद में 10 रुपए की ये बाइंडिंग शीट खरीद के जो है वो आपने सबमिट किया हो, तो ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी एक पता नहीं अलग ही टाइप की क्रिप्टो करेंसी की। बाय द वे जो पैकेट आया ये आया है पाब्लो एस्कोबार के बड़े भाई की तरफ से, रॉबर्टो एस्कोबार की तरफ से। तो ये है एस्कोबार कैश, पता नहीं क्या मजाक है। उसके बाद में ये है एस्कोबार कैश इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिजिकल क्रिप्टो करेंसी, वी आर नाउ प्रिंटिंग मनी। पता नहीं मतलब यार ये क्या मजाक है, मेरे को लगा क्यों ना आपसे शेयर करूँ थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए। और फिर मेरे को मिलेंगे चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया की तरह ऐसे ये दो नोट हैं, और ये है 1 मिलियन एस्कोबार कैश, 1 मिलियन, और ये है 100,000 एस्कोबार कैश। पीछे मतलब यहाँ पे ना ऐसे स्क्रैच कार्ड्स आया, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या ऐसा एस्कोबार कैश का बनाया। लेकिन मजे की बात आपको दिखाता हूँ ना कि ये ऐसा लगता है कि पता नहीं सजा के रखना है, लेकिन नहीं, आपको एक्चुअल में नोट निकल के दिखाता हूँ मैं। इसको खोलो, सस्ती सी फोटोकॉपी वाला वो नहीं होता कागज, वैसा ये लॉटरी की 10 रुपए वाली टिकट की तरह ये लिखा हुआ है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और ये वेरीफाई बैलेंस प्रायर टू एक्सेप्टिंग कंट्रोल वर्ड्स हिड स्लॉग स्वेन। इसके अंदर क्या कंट्रोल वर्ड्स, इसमें कंट्रोल वर्ड्स कुछ भी नहीं है, नहीं इसमें है फेयर फैड रुक, पता नहीं यार ये क्या जोक है। बट एनीवेज हमारे पास में अभी है 1.1 मिलियन एस्कोबार कैश। इसका मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, क्या चीज़ें मुझे नहीं पता। और इसको प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि कभी भी भरोसा मत करना, रैंडम चीज़ें हैं। मैं तो ऐसी फन के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये नेटवर्क में इजाफा हो गया है, एस्कोबार कैश मिल गया हमारे पास में। एनीवेज थोड़ा सर्दी का टाइम है, आग वाग चलाएंगे तो काम आएगा बढ़िया तरीके से। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिकॉज मैं रेडी हूँ इंडिया जाने के लिए। व्लॉग देखो बहुत मजा आने वाला है। मैं जा रहा हूँ फिलहाल अभी एयरपोर्ट की तरफ, रास्ते में हूँ। आपको बता दूँ अगर आपका बीच में जो है वो मन ललचा गया हो 1.1 मिलियन वो क्या था एस्कोबार कैश देख के, तो ये बिल्कुल मजाक था। मतलब मजाक तो क्या था वो तो पता नहीं घर प्रमोट करेंगे, बट मेरी तरफ से क्लियरली ये साफ चीज़ है कि ये एग्जैक्टली वर्थ नथिंग। तो प्लीज़ इसके बारे में मत सोचना, कहीं से कुछ सुन लो तो इस पर भरोसा मत करना। इट्स अगेन जो हमने पहले भी एस्कोबार की कुछ एक दो वीडियोस बनाए हैं वो यू नो गोल्ड फोन वगैरह वो सब, तो वैसे ही वाला सीन है। मतलब पता नहीं इस बार क्या स्कीम लेके आए, नहीं मेरे पास भी इनके पास में एड्रेस होगा तो मेरे को भेज दिया, मैंने आपको दिखा दिया ऐसे फन के लिए कि देखो मिलियन इसका एस्कोबार कैश का नोट कैसा होता है वो जो प्लास्टिक में लगा हुआ था। बाय द वे अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के, मतलब ऑलमोस्ट आधे रास्ते पहुंच चुका हूँ, अगले 15 मिनट एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। और मजे की बात ये है आप इसके लोगों को व्लॉग में शायद मैं काफी मतलब बताता नहीं हूँ, जैसे फिलहाल के लिए मैं जिस गाड़ी में हूँ ये है एस क्लास, और अगर आप एमिरेट्स में फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री शॉफर ड्राइव की सर्विस मिलती है और उसमें होती है मर्सिडीज एस क्लास। तो फिलहाल मैं उसी में ही हूँ और एयरपोर्ट पर पहुंचता हूँ, उसके बाद मैं आगे दिल्ली जाने वाला हूँ। अगेन ट्रैवल आप जानते ही हो बहुत ज्यादा रहता है हमेशा zigzag, अभी फिलहाल के लिए न्यू ईयर इस बार इंडिया में होने वाला है और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट काम करने के लिए मैं जाने वाला हूँ, तो मैं अकेला नहीं हूँ इस बार, साथ में भैया भी ट्रैवल कर रहे हैं। अगर रहा तो उनसे मिलवाता हूँ आपको और आगे फिर बात करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिप है ना बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, कंसिडरिंग मैं 3-4 इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा हूँ। आप बस प्रे करो लाइक और शेयर करते हुए कि जो भी मैं सोच जा रहा हूँ, जो भी यू नो मन में कुछ बड़े बड़े गोल्स हैं वो सब पूरे हो जाए और फिर दिल्ली जाता हूँ, तब आपसे बाकी बात करता हूँ। फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा ऐसे आराम से लेट जाओ, 15 मिनट बाकी बंद कर लो, पावर नैप का बहुत बड़ा मजा आता है।
few moments later. दोस्तों वैसे एक बात तो है कि मैं मतलब चाहे कितना भी लेट आऊं एयरपोर्ट में, लेकिन इतना टाइम तो होता है कि मैं बस लाउंज में आ जाऊं, तो फिलहाल डिनर जो था वो घर पे स्किप कर लेता, बिकॉज घर पे बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट मार्जिन पे था, बट समहाउ यहाँ पे मौका मिल गया खाना खाने का, तो अभी मैं खाना खा चुका हूं, तो फ्लाइट में फिर सोने का मजा उठा लूंगा। फिलहाल अगर यहां से नीचे जो यहां पे प्लेन खड़ा है 380 को दिख रहा है, तो थोड़ी बहुत प्लेन स्पॉटिंग भी हो रही है, खाना हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जल्दी से बस थोड़ी सी ड्यूटी फ्री की शॉपिंग की जाए, और उसके बाद में सीधा, अभी वी हैव अराउंड 25 मिनट्स, लेकिन गेट बहुत दूर है, बहुत चलना पड़ेगा। मतलब मेरे सारे स्टेप्स आज पूरे होने वाले हैं, आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में कि मैंने अभी कितनी वॉक की है जब से मैं एयरपोर्ट में घुसा हूँ तब से बोर्ड करने तक। आई थिंक कम से कम 2000 स्टेप्स तो मिनिमम है। वैसे अभी बस थोड़ी सी देर में वो 1-2-3 भागों वाला काम शुरू होने वाला है, बिकॉज जस्ट अभी हम निकल पड़े रनवे की तरफ। मतलब वैसे तो यार कई बार मज़ा उठाते हैं, हर बार की बात है एमिरेट्स फर्स्ट क्लास की, आप जानते हैं मेरा दूसरा घर है ये, लेकिन जो चीज़ आज हो रही है ना वो कभी कभी होती है यार। एयरक्राफ्ट तो ये है यार, मतलब एमिरेट्स A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। साइज देख रहे हो गाइस, मतलब ये इसकी टेल की जो हाइट है ना वो आई थिंक कुछ 7-8 मंजिल के बराबर है यार, बहुत ज़्यादा मतलब आई मीन अमेजिंग। और ऐसे एक नहीं है, एमिरेट्स इज द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ A380 ग्लोबली, तो सबसे ज़्यादा A380 सिखा देते हैं। मतलब ये देखो A380 है, उसके नेक्स्ट कड़ा है वो बोइंग 777 है, वो इनफैक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा है, बट इसके सामने कितना छोटा लग रहा है, दिख रहा है आपको? और ये रात को कितना मस्त नज़ारा आ रहा है यार, सारी लाइट्स ग्रीन है जहाँ पे प्लेन चल रहा है, जहाँ नहीं जा रहा है वहाँ पे रेड है, रेड लाइन में जा नहीं रहा है, ग्रीन लाइन में जा रहा है, और आगे रनवे क्लियर दिख रहा है। बस मेरे ख्याल से हम राइट लेंगे, और राइट लेते ही दौड़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ट्रैक पे अगर कार चलाने को मिले तो सोचो कितना मज़ा आएगा यार, स्ट्रेट एकदम। गैस गैस या और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोरा ही कोरा है। गाइस अभी आपको बताता हूँ इस फ्लाइट का सबसे इंटरेस्टिंग सीन, और सीन क्या है कि मैं फिलहाल बैठा हूँ इस सीट पे, भैया बैठे हैं पीछे उस सीट पे, और पूरी फ्लाइट में अभी कोई भी नहीं है फर्स्ट क्लास में, सिर्फ मैं और भैया हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, तो मतलब केवल हम दो पैसेंजर्स पूरे फर्स्ट क्लास में, और ये ऊपर तारों की छत, बाहर अभी सनराइज जस्ट चल रहा है, तो बहुत मज़े का सीन चल रहा है फिलहाल के लिए। और खाना मैंने लाउंज में खा लिया, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अभी क्रू को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब वरना तो पता नहीं कितना ही खा लो, लेकिन ऑफ कोर्स यार रात का टाइम में इतना कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको दिखाऊंगा ना जस्ट हैव अ लुक, कोई भी नहीं है बेसिकली पूरी फर्स्ट क्लास में, सिर्फ मैं और भैया हम दो लोग हैं, और अभी बस कुछ आई थिंक 1 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँचने वाला हूँ, तो दिल्ली पहुँच के देखते हैं ठंड कितनी है, बिकॉज गूगल बोलता है फील्स लाइक 8 डिग्रीज, लेट्स सी। मैंने तैयारी तो पूरी करी हुई है, और उसके बाद में वहाँ जाके जो काम के लिए मैं आया हूँ वो एक बार काम भी हो जाता है, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। और फिलहाल के तो जो बादलों के ऊपर है यार एक्चुअल में, मतलब दिखने में देखना एक बार आप एक हैव अ लुक, मुलायम मुलायम गद्दीदार, और सामने इस टाइम पे अभी सूरज बस उगी रहा है समझ लो, क्या कमाल नज़ारा है। मज़ा खास कर तब आता है जब ट्रैवल करने वाले सिर्फ आप लोग ही हो, कोई और नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है। वैसे हमारे पास में पूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे प्लेन की, हम इस टाइम पे कहाँ पे हैं, किस हाइट पे हैं, तो 35,000 फीट की हाइट पे क्रूज़ हो रहा है 546 miles per hour, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 870-880 kilometers per hour के आसपास होगा, 649 miles की दूरी है, 1 घंटे 8 मिनट का समय लगेगा, 8:30 बजे पहुँच जाएंगे, एक्चुअल टाइम था 8:55 if I'm not wrong। और बाहर देखो बादल, बादल भैया बहुत ज़रूरी है, ये देखो
गाइस ये नीचे देखो यार, आपको ये ना पूरा धुंध में दिख रहा होगा इस टाइम पे, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है ना, ये बिल्कुल अभी इस टाइम पे धुंध जो है नीचे बहुत ज्यादा कोहरा है, एक्चुअल में कोहरा है, मतलब मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये देखो नीचे बहुत ऊपर है भाई, लैंड कराओ, लैंड थोड़ी है भाई, मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा। 3000 कदम तो दिन शुरू होने से पहले ही चल चुका हूँ ऑलमोस्ट, अभी तो पूरा दिन बाकी है भाई, आगे तो फिर बहुत चलना है, लेकिन नजारा यार बाहर का क्या सही लग रहा है यार। कभी सोचा है ऐसे पावर प्लांट से जो धुआं निकलता है उसके अंदर क्या होता है? देखो अंदर क्या होता है, ऊपर से जूम करके देख लेते हैं अंदर क्या होता है। ये कहाँ पे बताओ, दिल्ली के नजदीक कौन सा है ये लोकेशन? आज तो पूरा ड्रोन वाला चल रहा है मुकाबला, वो देखो सामने यमुना नदी है ये, और लैंडिंग गियर हमारे ओपन हो गए हैं भैया। हुमायूं टॉम दिख रहा है, वो हुमायूं टॉम ही है। ये लोटस टेंपल आपकी आंखों के ठीक सामने, ये रहा वो सामने देख लो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये वाला, ये देखो पानी की टंकी, ये आ गया आपका हौजखास विलेज, वो देखो सबसे इम्पोर्टेंट जेसीबी की खुदाई। इधर छोटे वाले ना पंखे वाले प्लेन देखते सीधा सबसे पहले पबजी की याद आती है। 5 minutes later. दोस्तों मैं इंडिया आया हूं ना, तो होटल रूम से बाहर अगर देख रहा हूं तो यहां पे देखो ये एक जेसीबी की खुदाई यहां चल रही है, इसको देखने वाले 2-4 लोग मेरे ख्याल से खड़े तो हैं, उसके अलावा एक वहां पे है वो जेसीबी कुछ काम कर रही है ऐसे रुकी हुई है, और एक यहां पे ये कैटरपिलर की गाड़ी है ये जमीन लेवल करने के लिए, और इतने में इंडिगो का प्लेन भी लैंड कर रहा है, मतलब कुछ तो काम चल रहा है। ऊपर से हम देख ही रहे थे ये कुछ दूसरा सेक्शन है, और ये इनफैक्ट पिछले काफ़ी टाइम से है, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने से कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है यहाँ पे इस एरिया में, कुछ तो बन रहा है शायद। यार जस्ट अभी ना मतलब वीडियो एडिट करते हुए याद आया कि मैंने आउट्रो तो अभी तक शूट किया ही नहीं है, तो खैर कुछ ऐसा था मेरा सफर, मतलब हमने 1.1 मिलियन एस्कोबार कैश के साथ जो शुरुआत की, प्लीज मजाक की बात मजाक पे छोड़ना, लेकिन हंसी आती है देखिए, हम कहते हैं प्लास्टिक के अंदर डाल के वो कागज भेजा है, बता रही है मतलब क्या ही उसको हवाई जहाज बना के उड़ा देंगे हम। इसके अलावा सफर जो है वो बहुत सही रहा एमिरेट्स के साथ में एज ऑलवेज, और उसके बाद में अभी यहाँ पे आ गया हूँ, कुछ बिजनेस की बातें कर लेंगे, कुछ डील्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे दिल्ली में जो मेन काम था, नया साल जो है वो शुरू होने वाला है। मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में बधाई नए साल की, और आई होप कि आप 2022 में जो जो सपने लेके बैठे हैं वो सब कंप्लीट कर लें, और बस मेहनत करना और रिजल्ट जो है डेफिनेटली मिल ही जाएगा। पूरी इसी एनर्जी के साथ में, इसी ताकत के साथ में मेरी तरफ से आप सभी को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। अगला साल आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए, हम सभी के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए अच्छा रहे। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कौन सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना हफ्ते में एक बार ऐसी ही कमाल वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।